के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में योगी सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान और स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के बीच शहर में स्थित शिवपुरवा प्राइमरी स्कूल का हाल जानने के लिए आज जब इनविजन की टीम पहुंची तो वहां की तस्वीर सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आई। स्कूल के अंदर बना टॉयलेट गंदगी से पटा पड़ा था और हर तरफ धूल और गंदगी जमे हुए थे। सर, टॉयलेट के लिए कोई यहाँ पे जमादार नगर निगम से तो आता नहीं है सर। हम लोग खुद से पेट करके वो जमादार बुलवाते हैं। जैसे अभी बुलवा रहे तो गर्मी है नहीं आए, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग होती है। स्कूल अगर बंद हो गया उसके बाद वो आना चाहें तो आ नहीं पाते हैं, इसलिए अदरवाइज़ हम लोग खुद ही जमादार बुलवाते हैं और साफ़ करवाते हैं। बाकी तो विद्यालय साफ़ सुथरा है, बाकी विद्यालय में आपको गंदगी नहीं दिखी होगी। नहीं, बहुत गंदा नहीं होगा टॉयलेट, क्योंकि हम लोग साफ़ करवाते बुला करके। सर, हम लोग बुलवा के साफ कर, नहीं काफ़ी दिन से देखने की बात नहीं होती। जमादार आया, मैडम जी 1 बजे आए हैं भैया, आज तो स्कूल नहीं खुल सकता है ना। प्रतिदिन साफ नहीं, नहीं वो जैसे जमादार, जब से हम लोग का डे टाइम 11:30 वाला हो गया है तब से जमादार आ नहीं पा रहा उतनी सुबह, जो प्राइवेट जमादार है वो आ नहीं पा रहा। जी स्कूल में 7:30 बजे तक बच्चे बैठे हुए थे लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। उसकी वजह थी कि स्कूल की प्रधानाचार्य मिड डे मील के लिए सब्जियां खरीदने गई थी और दूसरी टीचर अन्य व्यवस्था में लगी हुई थी। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा प्राथमिकता ये रहती है कि बच्चों को मिड डे मील का खाना मिल सके। खाना कौन बनाता है? खाना आप बनाती हैं? हाँ। यही सब चीज़ इस्तेमाल करती हैं? क्या क्या इस्तेमाल करती हैं इसमें से खाना बनाने में? वही सब सामान बना ला। ये सब नमक वगैरह जो रखा है, हाँ। ये सब लेती हैं इस्तेमाल में ना? हाँ। कितना धूल जमा हुआ है इस पे ढक्कन पर? नहीं तो खाना तो रोज बनता होगा ना? हाँ, तो जैसे चल जाता है आज अंधा बहुत लगा ना, नहीं कपड़ा लेके साफ तो करवा कर जाए। नहीं तो ये तो कई दिन पुराना लग रहा है गंदा, जिस हिसाब से प्लेट पे जमा है। चक्कू वगैरह यही सब इस्तेमाल करती है ना? हाँ, तो जरा। क्या नाम है आपका? निर्मला। कौन सा स्कूल है ये? आपका नाम? मुन्नी। कौन सा स्कूल है ये? चुन्नी तो स्कूल है। कौन सी जगह पे? स्कूल में बच्चों के पास न तो कॉपी है और न ही अभी तक किताब पहुंची है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका का कहना है कि हमारे स्कूल में कुल 124 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन प्रतिदिन 75 से 80 बच्चे ही आते हैं और टीचर सिर्फ 2 ही हैं। लिहाजा 1 से 5 तक क्लास के बच्चों को बारी बारी जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। 125 बच्चे पढ़ते हैं। कितने टीचर सर तैनात हैं आपके? अभी यहाँ पे 2 लोग हैं। दो टीचर 125 बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? सर हम लोग, हाँ सर हम लोग क्या होता है, पहले जूनियर क्लासेस में कुछ काम दे दिया ब्लैक बोर्ड पर, उसके बाद हम लोग 3-4-5 पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 3-4-5 वाले बच्चों को कुछ पढ़ा लिया, जो बच्चा पहले काम करके दे दिया उसको फिर उधर की मॉनिटरिंग के लिए दे देते हैं कि देखो सब बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। फिर जब इधर का काम फिनिश हो गया तो फिर उधर की कॉपी चेक किया, ऐसे करके मैनेज कर। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ बच्चे भी उनको भी जिम्मेदारी दी जाती है? जो मॉनिटर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उन क्लासेस में भेजे जाते हैं ताकि वो देखते रहें, ताकि बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। जब 2 क्लास 2 टीचर लेती रहती है तो उस समय 3 क्लास के मॉनिटर उन क्लासों को पढ़ाने व संभालने का काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चा खुद पढ़ना नहीं जानता वह अपने साथियों को क्लास में कैसे पढ़ाएगा।
टीचरों का अपना दुख है कि वे किस तरह से अपने पास से बच्चों को कॉपी और पुरानी किताबों को अरेंज कराकर पढ़ा रही हैं। ये कोई देखने वाला नहीं है। पाँच तक के बच्चों को कैसे पढ़ना संभव है, कैसे पढ़ाना संभव हो पाता है कि आपको पढ़ा पाते हैं? अब हम लोग इसी में संभव किए हुए हैं जितना हम लोग अपनी ताकत लगा सकते हैं। कई दिन तो ऐसा होता है कि हम लोग टिफिन लाते हैं और ले जाके घर खाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर काम करते तो चाहते हैं कि मैडम मेरी कॉपी भी चेक करें, तो ये सब करते करते तो फिर कई दिन ऐसा हो जाता है। और हम सबसे पहले हम लोग छोटे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर बच्चे एक बार ये हुआ कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बच्चे टूट जाएंगे, बच्चे आएंगे नहीं, तो एक और दो के बच्चों को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। चार पाँच में बच्चे कुछ चीज़ें जानते हैं उसी से रिलेटेड बता के फिर एक और दो के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। शिक्षक की कमी है बहुत, तो शिक्षक की कमी है जिसका असर तो पड़ता होगा बच्चों की पढ़ाई पे। हाँ पड़ता है। क्या पड़ता है? अब असर ये पड़ता है कि जनरली पांच सब्जेक्ट होना चाहिए, हम लोग एक क्लास में अगर पांच का बच्चा है तेज है ज़्यादा बताना है तो हम लोग चार और पांच एक साथ मिला के पढ़ाते हैं। जनपद में छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देने व समाज के विकास में उनके सकारात्मक योगदान को सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर आज जिला पंचायत सभागार में आयुक्त विंध्याचल मंडल रंजन कुमार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को गणित विज्ञान के अध्ययन के लिए कुछ टिप्स दिए गए और सवाल हल करने के कई सरल तरीके भी बताए गए। कर सकते हैं तो बस ये अपने पास सिंपल पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है देखो, चाहे बात करो एस ब्लॉक या डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करते हैं? मेटल्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। जैसे हम बात करें इन जनरल, ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन के इधर कौन है? नॉन मेटल्स। इसके इधर कौन है? मेटल्स। और ये बीच में जो है ये सब क्या है? आपके मेटलॉइड्स। तो एक जनरल आपके पास क्लासिफिकेशन है। पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं? मेटलॉइड्स भी होते हैं। इस दौरान आयुक्त विंध्याचल मंडल ने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के भविष्य हैं। अगर वे शिक्षित होंगे तो उनसे पूरा परिवार व समाज शिक्षित होगा और समाज के विकास में इन छात्र छात्राओं की अहम भूमिका रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले आयुक्त विंध्याचल मंडल ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों में खुद कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को गणित व विज्ञान की शिक्षा दी और ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल कर अध्ययन करने के टिप्स दिए। जैसे हम लोग सीख ही चुके हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये चार इलेक्ट्रॉन दे या फिर सॉरी चार नहीं, ये पांच इलेक्ट्रॉन दे या तीन इलेक्ट्रॉन ले, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स दे या दो इलेक्ट्रॉन ले। इतिहास में अपनी वीरता और पराक्रम के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप की जयंती आज मिर्जापुर में राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा समाजोत्थान समिति द्वारा पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने वीर सपूत महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि महाराणा प्रताप इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर हैं और आज उन्हें याद कर क्षत्रिय समाज में अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा समाजोत्थान समिति के जिलाध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप हिंदुस्तान के शान के खातिर घास की रोटी खाकर भी पराजिता को स्वीकार नहीं किया और इस देश में विदेशी ताकतों को हावी नहीं होने दिया। ऐसे वीर सपूत की जयंती हम लोग मिलकर मना रहे हैं। हम लोग अपने योद्धा वीर योद्धा, अपने राजपूत, अपने हर वंशज के, हर जात के
योद्धा अपने वीर सपूत राम प्रताप की जयंती मना रहे हैं। आज उनका 9 मई है। हम लोग विगत कई वर्षों से मनाते हैं, इस बार भी मना रहे हैं। हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं कि हमें हमारे समाज में हमारे इस तरीके के योद्धा की जरूरत है, जो कि कोई किसी को किसी जुर्म में फंसा रहा है, कोई किसी को शोषण कर रहा है, कोई किसी को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। उस अधिकार के लिए लड़ने के लिए ये जज्बा जो था वो जज्बा फिर चलने की जरूरत है। और इसी के लिए हम लोग फिर से उनको याद कर रहे हैं कि हम लोगों में वो जज्बा दें कि हम लोग हर लड़ाई उसी तरह लड़े, चाहे हम लोग को भूखा रहना पड़े, चाहे जमीन पर सोना पड़े, हम लोग तैयार हैं लड़ाई में। महाराणा प्रताप की जयंती पर संबोधित करते हुए दिलीप सिंह गहरवार ने कहा कि इस देश में लोगों को महाराणा प्रताप के जीवन से एक सीख लेनी चाहिए। आज महाराणा प्रताप की हम लोग जयंती मना रहे हैं, जो हमारे पूर्वज आज 9 मई को 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ इलाके में जन्म हुआ था और राजवंश के रहने वाले थे, जो कि हिंदुस्तान के मतिया, हिंदुस्तान के शान, जो कि घास की रोटी खा करके अपनी इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पराधीनता को नस्वीकार करने वाले ऐसे वीर सपूत के हम लोग जयंती मना रहे हैं। और हमें हर होना चाहिए और हर इंसान को उनसे सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहने वाला जो इंसान, जो हमारा पूर्वज, जो कि यह संदेश दे चुका है कि इस देश में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वह स्वाधीनता के खिलाफ, पराधीनता के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहा। आज उसी तरीके से आज जो अत्याचार चल रहा है इस देश में उसको खत्म करने का हम लोग संकल्प लेते हैं और यह मांग करते हैं कि इस महापुरुष की जो जयंती है वह सभी समुदाय के लोग मिल करके मनाएं और हम लोग उससे दीक्षा ग्रहण करें कि अत्याचार के खिलाफ हम लोग आवाज को हमेशा बुलंद रखें। और इसी के साथ जय हिंद। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। पूर्वांचल की और भी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इन विजन के साथ।